to all friends, myself Anand, and today my very important class topic is Kabhi Hindi, Kabhi English in Macro, with Macro. Kabhi Hindi, Kabhi English with Macro. So, दोस्तों तालियां बजाकर इस टॉपिक और मैं आपको थोड़ा सा इसका सिंपल स्ट्रक्चर बता देता हूँ. कई बार हम जब डॉक्यूमेंटेशन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लेटर बनाते हैं तो प्रॉब्ली होता ही है कि हमें दो फंड में स्विचिंग करने की आवश्यकता पड़ती है. ये दो फंड कौन कौन से होते हैं पहले समझने की कोशिश करिए. पहला फंड होता है हिंदी, क्योंकि आजकल ज्यादातर हम हिंदी में लेटर्स बनाते हैं. और दूसरा फंड अचानक आ जाता है इंग्लिश. कुछ कुछ शब्द हमको इसमें लिखना है इंग्लिश. अब यार माउस से आप अलग अलग ऑप्शन पर अगर जाकर स्विच करेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है. फिर कई सारे कॉम्बिनेशन बिगड़ते हैं, फंड साइज चेंज हो जाता है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन में चेंजेस आ जाते हैं, वो बड़ी प्रॉब्लम होती है. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वाला सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही बेटर है. अच्छे से समझ लो. मैं हमारे कैमरामैन से कहूंगा कि वो स्क्रीन की तरफ अपना कैमरा घुमाए और देखें. सबसे पहले बात तो ये है कि अगर आप दो फंड के बीच में कोई लेटर बना रहे हैं, दो फंड की स्विचिंग वाला लेटर बना रहे हैं जिसमें हिंदी भी लगेगा और इंग्लिश भी लगेगा, तो आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि मेन वर्ड आपको ऑन करके रखना है. ये सुन लो, हमने लास्ट सेशन में कैसे ऑन करते हैं ये सब सीखा था. फ्यूचर की बात कर लेते हैं. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने ऑन कर लिया. अब यहाँ पर होम टैब पर मैं गया, लेकिन होम टैब पर जाने से पहले होम टैब पर जाने से पहले आपको जाना है या सीधे व्यू टैब पर. किस पर? व्यू टैब. जोर से व्यू टैब. जोर से व्यू टैब. प्यार से व्यू टैब. व्यू टैब पर जाना. व्यू टैब में जो रिबन डिस्प्ले होगा उसका लास्ट ऑप्शन होगा मैक्रोस. क्या Macros. क्या Macros. तो मैंने कुछ नहीं किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन किया, डिसाइड किया हिंदी में भी करूंगा और इंग्लिश में भी करूंगा, लेकिन शॉर्टकट बनाऊंगा मैक्रो. क्या बनाऊंगा? मैक्रो बनाऊंगा. तो यहाँ पर मैं जाता हूँ ये मैक्रो ऑप्शन पर, क्लिक करता हूँ, मेरे सामने तीन ऑप्शन डिस्प्ले हो जाते हैं, व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, पॉज मैक्रो. पॉज रिकॉर्डिंग. आर यू श्योर अबाउट द टॉपिक? ज्यादा टेंशन नहीं लेना है. यहाँ पर आपको रिकॉर्ड मैक्रो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है. कौन से ऑप्शन पर? रिकॉर्ड मैक्रो पर. जैसे आप क्लिक करेंगे एक सुंदर सा प्यारा सा क्यूट सा डायलॉग बॉक्स आएगा रिकॉर्ड मैक्रो नाम का. बस इतना ही करना है. अभी हमने किया क्या है, हमने केवल डिसाइड किया है कि हम हिंदी में भी काम करेंगे और इंग्लिश में भी काम करेंगे. आर यू श्योर अबाउट द टॉपिक? यहां पर सबसे पहले मिरवर्ड ऑन कर लिया. मिरवर्ड ऑन करने के बाद मैंने सीधे व्यू टैब पर गया. व्यू टैब में जो रिबन डिस्प्ले हुई उसमें लास्ट ऑप्शन था कौन सा? मैक्रो. क्लियर और नॉट क्लियर? मैक्रो ऑप्शन पर जाने के बाद जैसे ही मैंने रिकॉर्ड मैक्रो नाम का ऑप्शन पर क्लिक किया दोस्तों, ये डायलॉग बॉक्स आ गया. हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना. यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो के ये डायलॉग बॉक्स आया. तो मैक्रो हमें बनाना है किसकी? किसकी? कीबोर्ड से तो टाइप करेंगे. तो यहाँ पर मैंने कीबोर्ड पर क्लिक कर दिया, एक डायलॉग बॉक्स खुल गया कस्टमाइज कीबोर्ड. सॉरी, एक जो डायलॉग बॉक्स खुला है वो हो गया कस्टमाइज कीबोर्ड. नाम पर मैं जाऊँ, काम पर जाऊँ, यहाँ पर देखो कर्सर कहीं ब्लिंक कर रहा है. आप देख रहे हैं यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है. प्रेस न्यू शॉर्टकट की. यहाँ पर आप कंट्रोल बटन, ये देखिए कीबोर्ड की कंट्रोल बटन प्रेस करो और इधर की वन, इधर नहीं, इधर की पहले से शॉर्टकट की बनी होती है तो मैं प्रेफर करूंगा कि इधर की कंट्रोल प्लस वन प्रेस कर लिया. भारत माता की जय. जय जवान जय. तो कंट्रोल प्लस वन कर लिया. ये सुनो, अब इतना करने के बाद इस शॉर्टकट की को हमको क्या करना है? असाइन. क्या? असाइन. जोर से असाइन. जोर से असाइन. यार से असाइन करोगे तो वो शॉर्टकट की उठ के कहां गए? करंट की वाले बॉक्स में. अभी अपन ने दुकान से प्रसाद खरीदा है, मंदिर में जाके प्रसाद को चढ़ाना है, असाइन कर. क्लियर और नॉट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, केवल इतना करके बन जाएगा? कितने लोगों से करके बन जाएगा? हम नहीं है. इसके बाद हम यहां पर क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करते ही हम देखेंगे कि माउस पॉइंटर के साथ एक कैसेट का सिंबल आ जाता है जो हमें बताता है कि हम जो भी काम करोगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा. बोलो ना, जो भी काम करोगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा. कितना मर करना है? कर लोगे. अब सीधे जाना है, सीधे जाना है होम टैब पर. किस पर? होम टैब. कुछ टाइप नहीं करना, कुछ नहीं करना, सीधे जाना है कहाँ? होम टैब पर जाना है. और होम टैब पर जाकर यहाँ पर हिंदी फंड चुन लो जो बेटर लगे आपको. हिंदी फंड में एक चीज याद रखना कि अगर आप कोई नॉर्मल साधारण लेटर 11 से लेकर 16 तक का साइज होना चाहिए. क्या? 11 से 16 है ना. यहाँ पर आपने हिंदी का फंड चॉइस कर लिया और इसका साइज सेट कर दिया कितना? 16. Are you sure about the topic? Clear or not clear? अब ये हमने दे दिया,
हमने मैक्रो को बता दिया कि देखो हिंदी फंड रखना, कृति देव रखना, साइज रखना, पहले फिक्स कर लिया। और अब हम वापस से चले जाते हैं क्या व्यू में जाने के बाद किस पे, मैक्रोज में। मैक्रोज में जाने के बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग को क्या कर देते हैं, स्टॉप। भारत माता की जय। ताली। यहाँ पर क्या हुआ, हिंदी के लिए ये मैक्रो बन गया, हो गई तैयार। अब बनाना है किसके लिए, इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए क्या करेंगे, इंग्लिश के लिए उसका थीम। इंग्लिश के लिए हम जाएंगे वापस से व्यू टाइप पर, किस पे, व्यू टाइप पर। जाने के बाद रिबन डिस्प्ले में क्या पर जाओगे, मैक्रोस पे। जाने के बाद किस पे जाओगे, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, किस पे जाओगे, फिर क्या बोलेगा, रिकॉर्ड मैक्रो का डायलॉग बॉक्स, बोलो इसमें किस पे जाओगे, कीबोर्ड पे। जाने के बाद यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करूंगा, मैंने क्या किया था, मन किसके लिए किया था, अब किसके लिए, क्या यहाँ पे टू प्रेस करे, और टू कॉल किस तरफ लगा, इधर वाला नम लॉक वाला, टू प्रेस करे और प्रसाद को भेज दिया, उसको क्या करेंगे, चलाएंगे, असाइन करेंगे, ये सुनो कर दोगे, क्लोज कर दोगे, रिकॉर्डिंग सिंबल डिस्प्ले होगा, ये सुनो किस पे जाओगे। अब यहाँ पर मेरा फेवरेट फंड है कैलेगरी, क्या आपका टाइम स्पीड रोमन भी हो सकता है, एरियल भी हो सकता है, और जो आप डिसाइड करेंगे वो रख लेना, ठीक है। कैलेगरी पर मैंने क्लिक किया, अब चूंकि मैं जो लेटर बनाने वाला हूँ उसमें हिंदी भी होगा और इंग्लिश भी होगा, तो हिंदी का मैंने साइज लिया था कितना 16। अब थोड़ा सा याद रखना, हिंदी का अगर 16 का साइज ले रहे हो तो उससे दो कम रख देना इंग्लिश का, तो यहाँ पर हमने 16 के साइज को कितना कर दिया, और फंड कौन सा चॉइस कर लिए, कैलेगरी इंग्लिश फंड। Are you sure about that? इसके बाद व्यू पर जाना, मैक्रो पर जाना, और क्या करना है, कंट्रोल प्लस वन हो गई हिंदी के लिए, कंट्रोल प्लस टू हो गई इंग्लिश के लिए। अब देखो कि क्या करना है हमको, लेटर बनाने का है, बोलो ना, जो हिंदी में बनाना है, तो मैंने कंट्रोल के साथ वन प्रेस किया, आपका आ गया गाड़ी, ठीक है, और कंट्रोल के साथ टू किया, क्लियर। हिंदी करना है कंट्रोल वन, हिंदी इंग्लिश करना है कंट्रोल टू इंग्लिश, हिंदी करना है हिंदी, इंग्लिश करना है इंग्लिश। तालियां। बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ये बनना ही चाहिए, ये आपका पता है बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो जाएगी आपकी, ये सुनो आप अपनी स्ट्रेटजी बना के चलोगे, अगर लेटर बना रहे हो तो कभी हिंदी कभी इंग्लिश में मैक्रो कवर करना।